तो तुम लोग को बार बार मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, आपने एक लाइन लिखा कोई थ्योरम है कोई क्वेश्चन है, आपने दूसरा लाइन लिखा, तीसरा लाइन में आप लटक गए, तीसरा लाइन में आप लटक गए, इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब है इसका, तीसरा लाइन में आप नहीं लिख पाए, क्या मतलब है इसका? वो स्टेप समझ नहीं आया, आपको दुख होना चाहिए खुशी होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि हमको नहीं पता, और खुश होना चाहिए कि आप पहले से आप बेहतर बनने वाले हो आज, ठीक है, आप पहले इतना कॉन्सेप्ट जानते थे, मतलब इसका मतलब ये था कि 100% आप चीजें इतना जानते थे, आपके दिमाग में इतनी बेहतरीन तरीके से चीजें सेव थी कि आप जिंदगी में दोबारा नहीं भूल सकते उनको, ये आपकी जिंदगी में कोई दूसरा चीज क्या करने वाला है, प्रवेश करने वाला है। जहां पर समस्या आ गया, समस्या आया मतलब समझ लो वो आपको बेहतर करने का मौका दे रहा है, तो आप यहीं पर भी आप क्या करने वाले हो, आप इतना जानते थे आप आज से एक्सपर्ट हो जाएंगे इस मामले में भी, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, गहन अध्ययन करने वाले हो, चीजों को सोचने वाले हो, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव वे में, है ना। अध्ययन, मैं जब से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तब से मैं बोल रहा हूँ, अध्ययन क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है भाई, अध्ययन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप जैसे सोचते हैं ना, घर में जाकर समझिए, आपको टेंशन है, आपको बोरिंग लग रहा है, आप चीज़ें नहीं समझ पाओगे, आप प्रसन्न हो, आपको लग रहा है कि आज करना है करके, खुशी खुशी आप टेस्ट की तैयारी कर लेते हो, खुशी खुशी आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप अपने दिमाग को समझाने का प्रयास करते रहे ना। आप लोग कभी जैसे कि गर्मी का मौसम आ गया, अब क्या करेगा पता है, मन करता है सोने का, थोड़ा सा आलस लगता है, थकावट जल्दी लगता है, तो कोशिश करना आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते रहो आप लोग।